ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं बहुवास खाती हूँ, और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का प्रतिवाद है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है, और इसको देव भूमि आग में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूं कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी मां के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। उसकी क्यों चलती है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं, दो तीन? आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपकी आंखों के सामने आती हैं, दो तीन? यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी हम लोगों को मिर्ची लगती है, तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं? क्या ये पॉलिटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही रह जाए? एक तरफ ये पुरुष है और एक तरफ हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को 23% आरक्षण दिया पॉलिटिक्स के लिए। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेजोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यहां एक छोटा सा गरीब मां का बच्चा जो चाय बेचकर प्रधान है, सबसे बड़ा प्रधान सेवक है। ये वो भारत है। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं, यही नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पे महिलाओं का शोषण करने का प्रचलन था, लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में खुद रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की। लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया, मैंने अपनी फिल्मों से हीरोइन खत्म कर दिए। मैंने ऐसी ऐसी फिल्में बना ली जिनमें से मैंने हीरो ही खत्म कर दिए। और मेरा साथ किसने दिया? मेरा साथ इस भारत की जनता ने दिया, एक एक नागरिक ने दिया, और फिर भी मेरी फिल्मों को सफल बनाया। फिर एक और पप्पू मेरी जिंदगी में आए, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहां तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। लेकिन आज
वो भी ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके जैसे उनकी जाति के इतने बिगड़े हुए बिगड़ाए मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूं और फिर भी मेरे पास पूरा जनता का साथ है। तो मैं इस मनाली की धरती से, माता हडिंबा की धरती से,